देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं घर में ब्रेड रोल्स। कितने बढ़िया बने हैं, देखिए कितने कुरकुरे। आवाज़ सुन रहे हैं आप? चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेके बनाया। बनाना शुरू करते हैं ब्रेड रोल्स, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। चलिए बनाते हैं ब्रेड रोल्स। आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी। हम बचपन में बहुत खाया करते थे और जो समोसे को भी टक्कर देती है ऐसी रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी रेसिपी बनाएंगे आज हम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बनाना शुरू करते हैं। ये लिया मैंने एक बॉल और इस बॉल में मैं डाल दूंगी, ये मैंने 3 आलू उबाल लिए, ठंडे कर लिए और इस तरह से रफली क्रश कर लिए। इनको बॉल में डाल दूंगी। इन्हें 3 अलग अलग स्टाइल से बनाना बताऊंगी, अलग अलग फिलिंग बनाएंगे जो आपके टेस्ट को और दुगना कर देंगे। इसमें हम डालेंगे, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना चाहें ना डालें। ये मैंने आधी शिमला मिर्च बारीक बारीक काट ली, ये हरी मिर्च और अदरक, बारीक कटा प्याज और ये थोड़ा सा मैंने टमाटर, जिसका मैंने बीज का हिस्सा निकाल के बस टाइट स्किन काटी है, बीज नहीं काटे हैं इसके, वरना ये हमारी फिलिंग को सौगी कर देती। इसलिए अब इसमें मैं डालूंगी कुछ बेसिक मसाले। ये डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई तीखा खाता है कोई कम तीखा खाता है, इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चाट मसाला डालिए, लेकिन मेरे को चाट मसाले से ज़्यादा अमचूर का पाउडर अच्छा लगता है तो मैं वो डालती हूँ। और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, भुना जीरा पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बिल्कुल बारीक नहीं करने हैं, देखिए मैंने बीच बीच में चंक्स छोड़े हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, ये बेसिक स्टफिंग क्लासिक जो अक्सर अधिकतर हम बनाते ही हैं। अब मैं इससे आपको अलग अलग 3 फ्लेवर्स और बताऊंगी। उसके लिए मैं थोड़े थोड़े से आलू निकाल लूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाने हैं, हम 2 ही जने हैं तो मुझे उसी हिसाब से चीज़ें बनानी होती हैं। मैंने ये निकाल लिए, अब हम ये हमारी क्लासिक तैयार है बिल्कुल। और जो हमने ये अलग अलग फ्लेवर देने के लिए आलू निकाले हैं, इनमें हम अपनी फ्लेवर्स देते हैं। एक फ्लेवर तो मैं दूंगी नूडल्स, जो हम मैगी मसाला होता है नूडल्स के साथ आता है वो मसाला डालूंगी। और एक में मैं डालूंगी शेजवान सॉस, थोड़ी ही डालिएगा, ये बहुत चटपटी होती है और मैंने तो केवल एक रोल के लिए करी है तो इसलिए। और इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं, इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसको भी मिला लेते हैं। फ्लेवर में मैं ये पिज़्ज़ा सीजनिंग डालूंगी और सब्जियां तो हमने डाली ही हैं तो ये पिज़्ज़ा सीजनिंग डालने से बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा। मिला लेते हैं। चलिए अब हम इनके हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग का बनाया, शेजवान सॉस का बनाया, ये नूडल्स मसाले का बनाया, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग का बनाया, अब हम पिज़्ज़ा के टेस्ट का बनाएंगे उसके लिए। और इसकी एक टिक्की सी बना के इसमें ये मैं चीज़ भर दूंगी। बच्चे जब खाएंगे ना, इस आपके पास स्लाइस हैं तो वो कट करके इसमें पीस रख दीजिए, मेरे पास ये श्रेडेड था मैंने ये ले लिया। और इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे, बाकी अपने क्लासिक के बनाएंगे जो हमने क्लासिक इस तरह से सबके रोल बना के हम रख लेंगे जितने हमें चाहिए। मुझे तो थोड़े ही चाहिए होते हैं। ये देखिए ये मैंने सारे बना लिए, ये शेजवान के, ये पिज़्ज़ा का, ये नूडल्स का और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग जिसमें हमने चीज़ भरा है और बाकी ये क्लासिक के। मेरे तो काफ़ी हैं, आप अपने ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा कम बना सकते हैं। ब्रेड एजिस को ट्रिम कर देंगे, मैंने ये सिंपल स्लाइसेस लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। इनके एजिस निकाल देंगे, इन्हें आप कैंची से भी काट सकते हैं, कैंची से भी बड़े आराम से काट सकते हैं। चाकू से कटने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि किचन में पंखा चल रहा है लगातार, ब्रेड मैंने बाहर निकाल के रखी थी, थोड़ी सूखी सूखी सी हो गई थी और कैंची से ये बड़े आराम से कट जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं काटनी पड़ेंगी। मैं सबके काट लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इन एजिस को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इनसे भी नाश्ता बनाएंगे, हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई तिकड़म जुगाड़ लगा ही लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए।
ये मैंने ब्रेड के एजिस काट लिए और ये मैंने प्लेट में पानी लिया, बहुत थोड़ा सा पानी, बस इसको हमें हल्का सा छुआना भरा बस, ऐसे ही दूसरी साइड से, और इसको हम निचोड़ देंगे। इतने भर में ही हमारे ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और जो हमने ये रोल बना के रखे थे इसको हम इस तरह से रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। इससे रखने से ये होता है ये हर तरफ से अच्छे से कोट हो जाएगी। ब्रेड भीगी भी है तो बहुत जल्दी जगह पकड़ लेगी। अच्छा नाश्ता है कि इसकी आप तैयारी पहले से, आपको गेस्ट आ रहे हो तो आप इसकी तैयारी पहले से करके रख सकते हैं और जब आएँ गरम गरम तल के खिलाइए। इन्हें आप बेक भी कर सकते हैं इस तरह से। मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। हल्का सा छूना भरा बस पानी को, इसी से ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। ताज़ी ब्रेड तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। आ गई ना याद बचपन की, बचपन में बहुत खाया करते थे। अब तो ये पुरानी सी हो गई लेकिन आज मेरा मन कर रहा था, मैंने बनाया और आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे पसंद है तो चलिए हम सभी शेयर कर लेते हैं, मिलके बनाएं। इस तरह से मैं सारे बना लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारे तैयार कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, इन्हें आपको कम ऐसे ही तुरंत नहीं तलना है, इन्हें थोड़ी देर पंखे के नीचे रखिए और जब ये बिल्कुल सूख जाए, इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब हम इन्हें फ्राई करेंगे। और इन्हें आप बेक भी करना चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पहले पंखे में सुखा लें, हवा में, पंखे में भी ज़रूरत नहीं है, आप इस ऐसे ही बना के रख दीजिए थोड़ी देर और सुखा दें। और अगर आपको ये तैयार करके रखने हैं फ्रेंड्स के आने पे, रिलेटिव्स के आने पे, तब फ्राई करने हैं तो आप इनको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए और जिस समय फ्राई करने हैं निकालिए और तल लीजिए। बस रखने फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, ये सूख जाते हैं। मैं इनको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दूँगी और फिर मैं इनको शाम को फ्राई करूँगी, तब मिलते हैं। ये देखिए ये मैंने तेल गर्म होने रख दिया और ये मैंने ब्रेड रोल बना के फ्रिज में रख दिए थे। इस मैंने सुबह बनाए थे और अब ये रात के 8 बज रहे हैं जब मैं तल रही हूँ इनको। हमेशा ध्यान रखें कि इन्हें हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है और ना ही बहुत तेज गर्म तेल में डालना है। इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तलेंगे। तेल गर्म हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डाल के, अभी हुआ नहीं, थोड़ा और होगा। इस तरह से आप बना के इनको 2-3 दिन तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बस शर्त यही है कि आप इनको पंखे की हवा में पहले अच्छे से सुखा लें, जो इनमें मॉइस्चर है वो बिल्कुल ना रहे, तो ये आपके अच्छे से रहेंगे फ्रिज में, ख़राब भी नहीं होंगे और आप जब चाहें इन्हें तल सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया, बस हमें इतने ही मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल भी गर्म होना चाहिए और मैं इसमें ये डाल देती हूँ। इससे तेज़ गरम तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही इनमें अब हम तेल भरेगा और ना ही ये फटेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल भी आपके ब्रेड रोल ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। अब इन्हें हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है जब तक ये थोड़े से फर्म नहीं हो जाते। ये देखिए कोई भी ब्रेड रोल फटा नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जैसे हमने बनाए थे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। ये देखिए और इन पे हमने कोई मैदा, कोई ब्रेड क्रम कुछ नहीं लगाए, केवल जैसे ब्रेड रोल सिंपल बनाते हैं उस तरह से बना के सुबह बनाए थे। मैंने ये 10 बजे तैयार करके रखे थे और इस समय रात के 8 बज रहे हैं जब मैं तल रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हो रहे हैं। आप इस तरह से बना के रखें, मेरे कहने से एक बारी ट्राई करें। कोई आपकी किटी पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई गेस्ट आने वाले हैं तो ये तैयारी में बहुत टाइम लगता है, पहले से तैयारी करके रखें और बस तुरंत गरम गरम तलें और सर्व करें। अब इन्हें अच्छे से तलने देते हैं। देखिए हमारे ब्रेड रोल कितने अच्छे से सिक रहे हैं, इतने ब्रेड रोल सिक रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आप ब्रेड रोल किस तरह से बनाते हैं। मैं तो वही पुराने तरीके से बनाती हूँ जैसे पहले हम बचपन में खाया करते थे और बनाया करते थे, वैसे ही बना रही हूँ। देखिए हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए एक भी नहीं फटा, सब ऐसे कैसे हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
कितने बढ़िया सीखे हैं, मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। आवाज़ आ रही है आपको, कितने क्रिस्पी हैं। और कोई फटा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि मैंने ये सुबह बना के रखे थे। अब आप इनको गरम गरम इंजॉय करें और खा के बताएं मुझे कैसे बने। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू।